बहुत प्यार करते थे उससे। हम शादी करने वाले थे। पंद्रह साल बीत गए। 15 साल 4 महीने 10 दिन। क्रिटिक्स ने कम किया प्रभास का बिजनेस, राधे श्याम को कैसे पछाड़ा द कश्मीर फाइल्स ने, बाहुबली फेम साउथ स्टार प्रभास और पूजा हेगड़े स्टारर राधे श्याम फाइनली थिएटर्स में रिलीज हो गई है। इस मूवी को दर्शकों का मिला जुला रिस्पॉन्स मिल रहा है। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो पैन इंडिया स्टार ने साबित कर दिया है कि उनकी पैन इंडिया फॉलोइंग कितनी जबरदस्त है, क्योंकि इंडिया में सभी लैंग्वेज का मिलाकर राधे श्याम ने पहले दिन करीब 48 करोड़ का बिजनेस किया है, जो कि शानदार है। हालांकि सिर्फ हिंदी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो यहां रफ्तार थोड़ी धीमी है। वहीं इसी के साथ रिलीज हुई विवेक अग्निहोत्री की मूवी द कश्मीर फाइल्स को भी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। बता दें, शानदार स्टार कास्ट और जबरदस्त सोशल मीडिया बच के चलते राधे श्याम ने ओपनिंग डे पर 4.5 करोड़ का बिजनेस किया है। उम्मीद जताई जा रही है कि शनिवार को वीकेंड होने के कारण इसकी कमाई में और ज्यादा उछाल देखने को मिलेगा। वहीं फिल्म के तेलुगु वर्जन की बात करें तो पहले ही दिन 30 करोड़ का जबरदस्त कलेक्शन किया है। बता दें कि राधे श्याम के साथ विवेक अग्निहोत्री की द कश्मीर फाइल्स एक ही दिन को रिलीज हुई है। कश्मीर फाइल्स में अनुपम खेर, मिथुन चक्रवर्ती और दर्शन कुमार लीड रोल में है। इस फिल्म ने पहले दिन भी 3.25 करोड़ का अच्छा बिजनेस किया है, जो कि अनप्रेडिक्टेड है। इससे लोग इमोशनली काफी अटैच हुए हैं। जो काम राधे श्याम करना चूक गए, लव स्टोरी तो हर दूसरी फिल्म में होती है, लेकिन आजकल लोगों को ऐसी फिल्में ज्यादा पसंद है जो एंटरटेनमेंट के साथ आपके दिल को छू जाए, जो कश्मीर फाइल्स कर गई। इसके साथ ही इसे दर्शकों का भी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, लेकिन इसके कंपैरिजन में राधे श्याम से लोगों को वो कहानी नहीं मिली जो उम्मीद उनके फैंस कर रहे थे। सिनेमा जगत के फेमस क्रिटिक तरण आदर्श ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर फिल्म को 2.0 रेटिंग दी है। साथ में ये भी कहा है कि फिल्म ने उन्हें निराश किया है, राइटिंग को कमजोर बताया। साथ ही कहा कि एक इंटरेस्टिंग आइडिया जरूरी नहीं है कि एक अच्छी और इंटरेस्टिंग फिल्म बनाए। वहीं द कश्मीर फाइल्स को तरण आदर्श ने 4.5 रेटिंग दी है और कहा है कि ये ब्रिलियंट फिल्म है। कश्मीर की कहानी पर बनने वाली आज तक की ये बेस्ट फिल्म है, जिसे हम सबको जरूर देखना चाहिए। उनके इस रिव्यू से ही राधे श्याम का आधा बिजनेस खत्म हो गया और द कश्मीर फाइल्स का बिजनेस बढ़ गया, क्योंकि उनके रिव्यूज पर लोग यकीन करते हैं, जिसमें ज्यादातर देखा गया है कि लोग रिव्यूज पढ़कर ही फिल्म देखने जाते हैं, इफ वो आपके फेवरेट स्टार की फिल्म नहीं है। क्योंकि फैंस को कहाँ कहानी की जरूरत है, वो तो बिना कहानी के भी फिल्म को हिट कर देते हैं। इसके कई एग्जाम्पल आप बॉलीवुड में देख सकते हैं। तो आप किस फिल्म को कितने स्टार देंगे, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक खुश रहें।